हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मेरा कॉलेज है और मैं जा रही हूँ कॉलेज। थकी थकी सी लग रही ना। सो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज। मम्मा ने सुबह सुबह चाय बनाई है, चाय पी के निकलते हैं कॉलेज। आज मेरा कॉलेज में कोई कंपटीशन है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। 2 मिनट। आज मतलब कि हमारे उसमें कॉलेज में एनुअल डे होगा ना, सो उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना था। मैंने डांस में और रैम वॉक में किया, जिसको जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता रैम वॉक। सो वो भी देखूँगी, उसके बाद देखते हैं आज क्या होगा कॉलेज में। दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत सारे ऑडिशन भी होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो अभी मैं चलती हूँ, यशी मेरा वेट कर रही होगी। सो अभी चाय पीती हूँ और निकलते हैं कॉलेज के लिए, उसके बाद मिलते हैं। मैं अपना शीशा गंदा रखा है, वो मत नोटिस करना। सो आज मेरा आउटफिट है ये। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में हमें सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, जो कि हमें आता नहीं। इसको भी नहीं आता, आता होगा बेचारी को, तो आता होगा। सो अभी देखते हैं क्या सेल्फ डिफेंस का सिखाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। सेल्फ डिफेंस के नाम पे हमें ये रिफ्रेशमेंट मिला है। देख रहे हो तुम हमारे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। सर हमारे तो एब्सेंट भाई, हमारी कैंटीन में कुछ और अच्छा खाने को नहीं मिलता, यही है और ये खाती हूँ। और यहाँ पे हमें कोई क्लास नहीं मिली, इसलिए हम कैंटीन में आ गए टाइम पास करने के लिए। कैंटीन मिलती है। खोल ले, कोई दिक्कत नहीं, दुखा जा रही है। अब ये बहुत दर्द है, 100 रुपये दिखाती है ऐसे। हमारी लिफ्ट जो कि खराब है, सारी लिफ्ट यहाँ खराब ही होती है। लुक एट द पंखा। यशी तेरा दोस्त ऊपर। और यहाँ पर हुआ हमारा सेमिनार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी उस पर ऑनलाइन सेमिनार हो रहा था, ऑफलाइन भी था, दोनों था। कहाँ लग रही है आज के विषय की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मेरे सामने बैठे सभी प्रोफेसर्स, मुझे कहा गया है कि हिंदी में बात करें, तो मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। मूलतः महाराष्ट्र से हूँ, तो कुछ मराठी शब्द भी आ जाएंगे, तो आप लोग क्षमा करेंगे। सभी सम्मानीय प्रोफेसर्स और सभी प्यारे छात्रों, गंदा सा लेक्चर सुनने के बाद हमें फ्रूटी और ये मिला है। अभी कॉलेज से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। एक तो हमारे कॉलेज में इतनी सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें होती है कुछ तो, और मेरी हालत अब बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ शाम को क्या प्लान बनेगा। आज मैंने बोला तो अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, काफ़ी दिनों बाद देखते हैं क्या होगा, वो आते हैं नहीं आते हैं। सो अपने ही उस पर मिलेंगे, ठिकाने पर जहाँ पर हम मिलते हैं। और अभी मम्मी तो नहीं है, पापा भी नहीं है, वो मम्मी गई हुई ऑफिस। एक तो इतनी गर्मी में भैया कॉलेज जाना, कॉलेज का बाहर निकलना ही बेकार है इतनी गर्मी में। पता कितनी गर्मी हो रही है बाहर, मुझे अब पता चल रहा है इतनी गर्मी हो रही है बाहर। एक दिन ऐसा मतलब देखूंगी जिस दिन मैं थोड़ी फ्री रहूँगी, आपको पूरा कॉलेज का टूर अगर हो सके तो दूँगी। वैसे तो आपको सारा पता ही है भाई, बिल्डिंग है मेरे कॉलेज में, और हमारी क्लास जो होती है 6th फ्लोर पर। आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज उस टाइम नहीं बता पाई, मैं आप बताती हूँ। ऐसा हुआ हमारा है ना, नीचे वो चला था सेल्फ डिफेंस का, आप लोगों को पता ही है, इसमें मैंने डाल भी रखी थी। तो सेल्फ डिफेंस का चल रहा था, उसके बाद हमारा हिस्ट्री का टेस्ट था, तो हम जल्दी जल्दी भागे ऊपर। हमारी दोनों लिफ्ट खराब कॉलेज की,
कॉलेज वैसे अच्छा तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, जो भी है पढ़ रही हूँ उसमें तो ठीक है, अच्छा ही बोलना पड़ेगा। सो वहाँ के दोनों लिफ्ट ख़राब, और एक लिफ्ट चालू थी जो कि आगे थी और हम मतलब पीछे थे, और हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके थे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं कि हम वहाँ जाके दोबारा जाए ऊपर और उसके बाद लिफ्ट ले। सो हम गए 6th फ्लोर तक सीढ़ियों से, मतलब एक तो वैसे ही थके हुए सेल्फ डिफेंस करे हुए, ऊपर से 6th फ्लोर तक हम सीढ़ियों तक गए। मैं तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को तो चक्कर आने लगे, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी बरखा, वो भी मेरे साथ ही, उसको भी चक्कर आ रहे हैं, और अब हम दोनों ऐसे हिलते जुलते फिर क्लास में गए। सर को लगा कि हाँ हम सेल्फ डिफेंस करके आए हैं। सो आज मेरे भाई पैरों की बैंड बज गई, क्योंकि आज मैंने बहुत स्कूल में चले, बहुत थक गई आज मैं स्कूल में, कभी ये कभी वो, कभी सेमिनार हो रहा है, कभी सेल्फ डिफेंस हो रहा है, कभी मीटिंग हो रही है, कभी ट्यूशन नहीं आ रहा, आज का दिन बहुत ज़्यादा टेंस गया है। सो ये है, मेरी आँखों से लग रहा होगा मुझे नींद आ रही है, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ मेरे को खाने का कुछ मन तो कर नहीं रहा है, बट देख तो क्या होता है, उसके मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। आप सोचते हो कि मैं कितना सोती हूँ फिर, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सोती हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोऊंगी कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाऊँगी, और सोने के बाद फिर मुझे अच्छा फील होता है। सो हाँ, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। तो काम करवाना हो ना तो भाई को बहुत ज़्यादा पटाना चाहिए। अब जैसे मेरे को अनार खाने हैं छिले हुए, अब भैया अपने लिए छिल रहा है, रुको पहले मैं अपना कैमरा साफ करती हूँ। तो भैया अपना अनार काट रहा है और मेरे को भी चाहिए, तो भाई इसको मनाना पड़ता है ना भैया। ओ मेरे भैया। तो अभी बना रही हूँ मैं पापा के लिए खाना, दाल मैंने छोक दी है, और आज मम्मा ने बनाया है आलू बैंगन। सो अभी आलू बैंगन भी छोकने हैं और उसके बाद रोटी बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं आज का फिर ये पूरा ही दिन था। हाँ क्या, कौन सी मतलब वीडियो शूट करेगा कल या नहीं, मैं मारूंगी। मेरी है ना पता कितने हफ्तों से वीडियो पेंडिंग पड़ी है, मैं बोलती भाई शूट करते हैं शूट करते हैं, ये शूट ही नहीं आ रहा। तो कल मेरी शक्ल अच्छी नहीं इसकी, ये तो वो तेरी नहीं है ना, जब तू शूट नहीं कर रहा हो, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी तो अच्छी है। कमेंट में बता देना भाई किसकी अच्छी है, सबको बता किसकी अच्छी है। आप ना ज्यादा बकवास ना करा करो, नहीं बकवास करो, अभी अनाज छीन रहे ना इसलिए बकवास करो, आप तो बहुत सुंदर प्राणी हो ना। चलो अब मेरी मम्मी कर रही है मामी से बात, आज मेरी मामी की एनिवर्सरी है, मामी और मामा जी की, तो मम्मी से बात कर रही। अच्छा देखो तूने हाथ पे क्या बनवाया है, पैर तो मैं अभी तो देख श्री राम लिखवा लेते, इतना सुंदर सुंदर कोई वो बनवा लेता, क्या बनवाए क्रिश्चियन सा, इन्हें आर भी लिखवाया, नु कह रहा हूँ मम्मी मैं पापा का नाम लिखवा रहा था, और पापा का नाम लिखवाते लिखवाते बेहोश हो गया था, सिर्फ आर लिखा गया है। इसकी कहानी तो देखो, आर दिखा दे, दिखाइए, मेरे को बोल रहा है कि तू बनवा ले श्री राम का, मैंने ना मेरे को टैटू ही नहीं बनवाने, मुझे नहीं पसंद टैटू पैटू। अगर मम्मी आपको अब बताना चाहोगे आपके बेटे ने ये काम करा है, ये नो समझ रहा है कि मेरी मम्मी बावली है, मेरी मम्मी कुछ नहीं पता चलता। टेंपरेरी टैटू वाला है, सदर धन्यवाद है, वो भी बहुत गलत बनवाया है ना, है हमर जात का। आप बताओ क्या बोलना चाहते हैं, आपके बेटे ने ये बनवाया शिव जी महाराज के, वो कोई इंटरेस्ट आप बता दो, आप अच्छे तो पैसे कर तो गाइज यही था पूरा व्लॉग जो भी था मैंने शूट किया, और मैं कल मतलब इसकी एंडिंग करना भूल गई थी, मैं सो गई थी और मुझे याद नहीं रहा, सो अभी मैं एडिट कर रही थी व्लॉग तब मुझे याद आया, सो इसकी एंडिंग मैं अब कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको पूरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।